बेटा भी आ गया हमारा भैया, बहुत हीरो बन के चल रहे है ड्यूटी में। अब खत्म हो गया। सब टॉयलेट करने का जगह है ये। ये है लॉन्ग टॉयलेट का जगह। इसका अंदर जाने वाला क्या बोलता है इसका शोरूम शोरूम। ओ पूरा मेरा आँख ही बिगड़ गया रे। हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर भी हजुर माच आइसकेको हजुरहरूलाई स्वागत छ। अघिबाटै धन्यवाद दिन चाहन्छु जतिजनाले माया दिनुभएको छ साथ सपोर्ट हजुरहरूले सब्सक्राइब गरेर जोडिरहनु भएको छ यसको निम्ति धन्यवाद छ। अझै सबैजना नयाँ जति हुनुहुन्छ जोडिनु होला। हजुरहरूलाई आशा छ हजुरहरूको माया साथ सपोर्ट सधैँ पाउँछु। घामले अलिक कस्तो देख्दैछौ? अनि म चाहिँ आज विशेष मेरो सानो काम लिएर अफिसतर्फ गइरहेको छु। बाटोको यात्राहरू कस्तो हुन्छ देखाउने छ। साथीले त मलाई भन्दै थियो हिन्दीबाट भ्लग गर न भनेर, अन्त अब हिन्दीबाट हिन्दी भाषामा बोल्दाखेरि त्यहाँमाथि कतिजनालाई त अब बातहरू गर्नुपर्छ, त्यति बेला त हिन्दी बोल्नु अप्ठ्यारो हुन्छ उहाँहरूलाई त्यो नेपाली भएर। त्यही भएर म बाटोमा एक्लै बोल्दाको भ्लगको त्यो भिडियोमा चाहिँ हिन्दीबाट मात्रै आज गर्ने च्यालेन्ज लिएको छु। हेरौँ, कोसिस गर्छु पुरा हुन्छ। हेलो, आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज का मेरा चैलेंज है हिंदी भाषा में वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरा दोस्त बोला है हिंदी में वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं नेपाली में सब वीडियो बनाता हूँ। आज देखेंगे हिंदी भाषा में मैं बोल सकता हूँ या नहीं सकता हूँ। वो भी है मेरा ऑफिस में थोड़ा सा काम भी है, देखेंगे कैसे होगा। जो मैं दूसरा लोग का साथ बात करेगा तो नेपाली में। अब मैं जा रहा हूँ, इधर में धीरे करना पड़ेगा क्योंकि इधर स्पीड ब्रेकर है, तीनों लगाया है इधर, इसकी मुश्किल होता है। देखेंगे, आज का लग शुरू हो चुका है, देखेंगे कैसा होगा। और मैं अभी इसका अंदर जाने वाला हूँ, क्या बोलते हैं इसका शोरूम शोरूम का अंदर जा रहा हूँ, टनल का अंदर जा रहा हूँ। इधर का रास्ता ऐसा है, अंधेरा हो जाता है, इधर में तो नेटवर्क भी नहीं मिलता है थोड़ा अंदर जाने के समय में। ओ पूरा मेरा आँख ही बिगड़ गया रे। देखिए ये ऐसा है, ये इसका वीडियो तो मैंने पहली बार भी बना चुका हूँ। और अरे 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 पूरा आँख ही डिस्टर्ब हो गया रे इधर तो, बाप रे बाप रे। जो बाहर से आके अंदर आने में बहुत कन्फ्यूज हो जाता है एक बार तो, क्योंकि वो जो मेरा आँख है ना थोड़ा कैसा हो गया। ऐसा है, आप सभी लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ अच्छा अच्छा बनाऊँ अच्छा डालू। और इधर में एक फॉल से छोटा सा इधर वीडियो वो है फोटो का हो रहा है, ये बढ़िया है, पहले तो बढ़िया था अभी छोटा हो गया। अभी तो मैं एक्सेट बाजार आ ही चुका हूँ, मेरा एक्सेट बाजार में एंट्री हो गया। ये बाजार से हम ऊपर जाना है मेरा, क्योंकि ऊपर में काम है ऑफिस में, इसलिए ऊपर जाएंगे हम। सब लोग मेरे को देख रहा है, ये अकेला बात कर रहा है बोल के, क्या करें, बोलना ही पड़ता है ब्लॉग के, ब्लॉग में नहीं बोलेंगे तो बोरिंग हो जाएगा, इसीलिए हम बात करना ही पड़ता है। थोड़ा इधर धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि इधर उधर लग सकते हैं, अब जैसे ऊपर जाना पड़ेगा हमको। इधर एक गाड़ी रख दिया और इस ये इधर से उधर जाएंगे तो दूसरा जगह जाएगा टसीडिंग बोल के, अभी इधर जाएंगे तो गेजिंग पहुँच जाएंगे। इतना बड़ा बड़ा गाड़ी आ रहा है रे बाबा, ट्रनिंग में डर लगता है रे बड़ा गाड़ी आने से। इस ट्रनिंग में भी कैंटीन है, इधर कुछ खाने का मिलता है चाय पानी, लेकिन हम नहीं रुकेंगे क्योंकि हमारा पास टाइम नहीं है इतना, और ज़्यादा छोटा है इधर मेरा रास्ता है। इधर चलने में तो बहुत प्रॉब्लम ही हो जाता है मेरे को क्योंकि ये रास्ता छोटा, इधर ये नीचे में था पहले, अभी ये बिगड़ गया सब, और ये ऊपर बनाया था ये भी जा रहा है, सब खत्म हो रहा है। आप स्कूटी बाइक कैसे चलाएगा इधर, बाप रे बाप रे बाप। अब मैं गेजिंग बाज़ार पहुँचने वाला हूँ, थोड़ी देर में पहुँचेंगे हम, थोड़ा सा नीचे में है अभी। रास्ते में बहुत कुछ हुआ, मज़ा भी आया, और मेरा हाथ को थोड़ा ठंडी हो रहा है, कोई बात नहीं। ट्रेनिंग में धीरे धीरे जाना पड़ रहा है क्योंकि दूसरा गाड़ी के साथ लग सकता है,
मैं आगे जाने से हो जाता था, लेकिन क्या करे, रास्ता देने के लिए आपने फोन करेगा। अब थोड़ा रात में भी धूल बहुत कुछ किया, शीशा बंद करने से बात नहीं सुनता है, बात करने के लिए शीशा खोलेंगे तो आँख में बहुत लग जाता है। अब मैंने कॉल करके मेरा बात हो गया, ऊपर आने के बोल रहे हैं, ऊपर में जो वो है मेरा ऑफिस जाना है, उधर में है वो दूसरा ऑफिस भी, गाड़ी इधर रास्ता छोटा है ना, इसलिए रास्ता छोटा होने के वजह से गाड़ी का भी बहुत प्रॉब्लम होता है, इधर में क्या करें। ठीक है, फिर भी रास्ता पहला है वही बढ़िया बात है। मैं ऊपर आया था लेकिन इधर नीचे बोल के हम नीचे आ गया, ऑफिस तो इधर बोल रहे कि नीचे में है क्या। ओह, फॉर्म तो इधर लगता है। बोल रहे भैया आ रहे, इधर में एक भैया जान पहचान का भैया है, स्टाफ है, पहले ट्रेनिंग का समय में जान पहचान हुआ था, वो बोल रहे हम आ रहे ऊपर से। वो रास्ता थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि एक रास्ता इधर में भी है, ये एक रास्ता इधर में भी है और लगता है उधर में भी है रास्ता, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया। उधर स्कूटी नहीं जाएगा बोल रहा है, पैदल जाना पड़ेगा बोल रहा है, हम तो नीचे में है लगता है, जाएंगे कोई बात। ये भी आ गया हमारा भैया, बहुत हीरो बन के चल रहे है ड्यूटी में। आ गया हम इधर, इतना बड़ा बड़ा सीढ़ी है, मेरे को चलने में प्रॉब्लम होता है इसमें, बड़ा बड़े सीढ़ी है, बाप रे एक दो फीट का, मेरे को चलने में तकलीफ हो रहा है। आया भैया तो आगे चला गया, कुत्ता भूख रहा है, हमको रुकने का मन हो रहा है। भैया के साथ तो अब नेपाली में बात करना पड़ेगा क्योंकि वो नेपाली में बात कर रहे हैं, इसलिए मेरा वो पूरा भी करना है मेरा चैलेंज। और किधर चला गया अरे भैया, तो और नीचे चला गया क्या, इधर नहीं बोल। वाह, बादल पछाड़ी, अब से मेरो यहाँको काम सक्यो, निकै मैले सिकेँ, मेम एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, खुसी लाग्यो। मैले कति कुरा चाहिँ म कन्फ्युजनमा थिएर चाहिँ कन्फ्युज थिएँ, त्यो भएर आएर चाहिँ मैले त्यो कुरालाई अलिकति क्लियर गरेँ, अझै धेरै ज्ञान पायो। अब 100 out of 100 त माइन्डमा बस्दैन त्यो एउटा सिक्दाखेरि, र पनि मैले प्रायः कुरा चाहिँ क्याच गरेँ। म कोसिस गर्छु, सकेन भने मेमले पनि कन्ट्याक्ट गर्नु भन्नुभएको छ, खुसी लाग्यो। अब चाहिँ म माथि अर्को अफिसमा जान्छु है, त मेरो त्यहाँ एउटा कागज ल्याउनु छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो उताको जस्तो रहेछ, रोड छैन है फार्ममा जाने चाहिँ, आइया हो कस्तो रल हिँडिरहेको हैट, आमामा बल्ल 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 आइपुग्यो, आइया हो बल्ल रोड आइपुग्यो। यो चाहिँ तिक्जेक है हो, यस्तो देख्दो रहेछ नि त तल क्याङ्सा ग्राउन्ड, आम क्याङ्सा ग्राउन्ड अति चाहिँ देख्दो रहेछ है। भाइ यहाँको काम सकेर म हिँड्दैछु, अब चाहिँ उँभोको अफिस जान्छु, अघि माथि पुगेर फर्किनु पऱ्यो। अब फिर हम हिन्दीमा ही भ्लग गरिङ्गे, क्योंकि अभी त उधरमै जो हुआ इसलिए उसके लिए हम नेपाली में बात करना पड़ा, इसलिए हम नेपाली में बात किया है। अब फिर हिंदी में स्टार्ट हो गया मेरा ब्लॉग, अब मैं दूसरा ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा ऊपर में थोड़ा सा काम है, मेरा एक कागज़ रिसीव करना है और वो कागज़ क्लियर हुआ नहीं हुआ देखेंगे, और उसके बाद फिर आएंगे। भूख भी लग रहा है, अभी देखेंगे किधर खाना खाना पड़ेगा। इधर ट्रक जा रहा है, बहुत रॉट लेके जा रहा है, रॉट कितना क्विंटल होगा, इतना धीरे धीरे चल रहा है। ओ बाप रे, ताजा बहुत है इधर, और टर्निंग में प्रॉब्लम होता है,
गाड़ी ऊपर से भी आ रहे हैं इसीलिए रास्ता इतना ज़्यादा लोड है, धूल भी इतना उड़ रहा है। हम सोच रहे आगे चला जाए अगर रास्ता मिले तो। हम थोड़ा चलाकी से आगे चल गए। इसके ऊपर से मैंने एक वीडियो किया था और मेरा दोस्त ने भी इधर से एक वीडियो किया था। वो अब ये जो गाड़ी आया उधर चला गया, इधर जाना पड़ेगा। मेरी ऊपर जाएंगे तो पेलिंग पहुंच जाएंगे, इसीलिए मैं इधर से घूमूंगा थोड़ा। इधर इधर में भी एक एटीएम बना हुआ है, जगह नहीं मिल रहा है मेरे को। चेहरा भी थोड़ा दिखा देंगे, हेलमेट लगा के ऐसा हो गया मेरा बाल तो, और आँख में भी बहुत धूल घुस गया, वो पानी भी निकला वो धूल का वजह से, इसीलिए। हाँ हाँ, जाएंगे हम ऊपर। हाँ हाँ, अब ऊपर जाना पड़ेगा सीढ़ी से। मेरा तो बहुत अंधेरा हुआ है ये तो, इधर में है मेरा काम तो। बहुत इतना भीड़ है, हमारा काम नहीं हो रहा है। मेरा जो डॉक्यूमेंट्स, मेरा जो कागज़ लेना था वो नहीं हुआ। और फिर इधर बैंक बियर काटने, बैंक बियर काटने के लिए बोला। इधर देखेंगे कितना भीड़ है, बैंक बियर काट के ही वो निकल सकता है मेरा, इसलिए हम जा रहे हैं। इतना भीड़ है ऊपर में, आप लोग को देखा भी नहीं सकते क्योंकि उधर वीडियो करने से गाली भी हो सकता है ना। बियर भी काट लिया हमने, अभी ऊपर जाके फिर इसको देखे मेरा एक चीज़ मिलेगा, लेकिन मेरा दूसरा चीज़ नहीं हो रहा है, इसके लिए फिर आना पड़ेगा, बोल रहा है कल परसों। अभी ख़त्म हो गया हमारा काम, काम तो ख़त्म हुआ लेकिन मेरा वो नहीं हुआ है, मेरा दूसरा काम नहीं हुआ है, उसके लिए फिर बात में आना पड़ेगा। इसके लिए मैं बहुत बार आ चुका हूँ, फिर भी कोई बात नहीं है, ट्राई करेंगे। भूख लगी, हम अब खाजा खाने जा रहे हैं थोड़ा कैंटीन में, देखेंगे क्या क्या मिले, खाजा क्या मिलेगा खाएंगे। अब हाथ धो लेंगे थोड़ा सा पानी में, खाजा खाने लगा हूँ, रेडी हो गया। भाई नाश्ता ख़त्म करके फिर घर वापस जाएंगे। अभी मेरा दोस्त को फ़ोन किया था, वो बोल रहा है बाद में मिलने के लिए, फिर उसके साथ एक वीडियो भी बनाना है मेरे को। अब ख़त्म हो गया, थोड़ा क्लियर कर दिया मैंने, सब ख़त्म। अब नाश्ता चाय पानी भी हो गया मेरा, अभी पेट भर गया मेरा। अब हम उधर कैंटीन देख रहे, अब जाएंगे घर का तरफ। आज मेरा सब हो गया, एक काम नहीं हुआ है, ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे, बोला है इधर से कॉल करेगा, देखेंगे कब कॉल आएगा। मेरा ओ नेशनल फ्लैग बहुत बढ़िया दिख रहा है, गेजिंग बाजार का व्यू कैसा दिख रहा है रे दोस्तों आप सभी लोगों को। उधर शॉर्टकट आने के लिए सोचा था वो दूसरा रास्ता से,
और लेकिन आ नहीं पाया क्योंकि इसका ऊपर ऊपर आ गया, क्योंकि मेरा टायर पंचर हो गया। इसलिए इस जगह में इधर में दुकान है एक, उधर में बनाना पड़ेगा ये बोल के इधर आया, नहीं तो मैं उधर शॉर्टकट आने वाला था, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो गया। इधर में बनाएगा बोल रहा पंचर, देखेंगे मेरा इधर ऐसा टाइम खराब हो गया, बोल रहा है कि इधर नहीं बनेगा बोल रहा है। अब फिर इधर से निकलना पड़ेगा भैया, ट्यूबलेस बनाओ ट्यूब पंचर बना देना, कहाँ बनाओ सर, ना ना उधर में ट्यूबलेस नहीं, ट्यूबलेस बनाएगा बोल रहा है, ट्यूब वाला नहीं बनाएगा बोल रहा है, कैसा टायर दो का नहीं पता नहीं, फर्क पता ना, फिर बैठो यो यो भाई कि भर मानी आना बना बनाथ हो धन्यवाद। अब इधर में एक जगह है, इधर पूछेंगे, इधर नहीं बनाएगा तो फिर हम तो लेक से पहुँचना पड़ेगा, तो फिर ओ इधर बनाएगा होगा, देखेंगे पंचर इधर बनाएगा होगा लगता है, हमारा पंचर हो गया है। ओ इधर तो बहुत बढ़िया है, सबको करने वाला भी इधर, अब देखेंगे कौन बनाएगा इधर भाई, एकजना मत हो बनाउने पंचर भएको छ कि ए तपाईँको इधर हो गया, दूसरा घर बनाएंगे ओ मतलब इसका बात हाँ। मेरा स्कूटी का टायर बना रहे भैया, खुल रहे अभी, हम तो इधर आ गया, मेरा बाल क्यों बार बार गिर रहे नीचे, मेरा बाल देखो ना बार बार गिर रहे नीचे। अब हम है अभी गेजिंग का टायर दुकान में, भाई लोग मेरा बना दे रहा है टायर, टायर पंचर होके खत्म कर दिया मेरे को टायर पंचर। भनेपछि मैले अर्को टायर लाउँदा हुने रहेछ यसमा, आरामले चल्छ है निकै, त्यस्तो खिएको छैन नि त, कलरको स्प्रे चाहिँ होइन यो अब चाहिँ बल्ल बल्ल अब खतम हो गया। अब हावालाई डाल रहे हावा हावा डाल्छ चाहिँ कि कति दिन पैसा उसलाई कति होइन हौ, दुई बढी दिनुपर्छ नि त, के भन्छ हौ, धन्यवाद लट्टा दुईजना बाँड्नु ल त्यसो भए, ल फेरि उँदो त त्यसो गर्दैन टायरवालाहरूले रहने छ क्या परे, ल भाइ गएको ल। टॉयलेट करने का जगह है ये ये है लॉन्ग टॉयलेट का जगह। आज का वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा भी हो गया होगा, ज़्यादा मेरा स्कूटी का ब्लॉक हो गया, इसलिए अभी वीडियो बंद करता हूँ, सिर्फ उधर घर का उधर घर पहुँच के ही मैं
अभी चेक इन करूँगा क्योंकि अभी रास्ता का नहीं निकलूँगा, आने का टाइम में निकल दिया रास्ता का कितना, और अभी बैटरी भी ख़त्म होने वाला है मेरे फ़ोन का, इसलिए मैं बंद करता हूँ दोस्त लोग, फिर मिलेंगे बाद में। भाई लोग अभी वीडियो भी बंद करना पड़ेगा लग रहा है क्योंकि हम तो इधर पहुँच गया। जान सा मेरो आम मामा क्या हो ये भाई, ये थोड़ा मैं इधर गैरिज में जा रहा हूँ और उसको थोड़ा उसको संजय गुरु जी को मिलूँगा, संजय गुरु को मिल के हम शुरू कर जाएंगे। अब क्या करें, जिंदागानी कर पंचायत टू हाथ पर ही डट पेन लेके घूमना पड़ा ऐसा है। रात पर रात हो गया रे बबर रात, अब वीडियो का हम इन करते हैं क्योंकि आज मेरा वीडियो पूरा हो गया। आप लोग को कैसा लगा, आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा। आज वीडियो इधर ही बंद करते हैं, आप सब लोग स्वस्थ रहे खुश रहे, हम भी अब आ चुके हैं घर, अभी वीडियो इधर ही इन कर दे। मेरा चैलेंज कैसा लगा आप लोग को, बढ़िया लगा होगा है ना, इसलिए बंद कर देते हैं आज के लिए। फिर दूसरा वीडियो में आप लोग का साथ मिलेंगे, आप सभी लोगों को बाय बाय कहूँगा, और आप लोग का प्यार चाहिए और सपोर्ट चाहिए, आज तक आप लोग ने सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू सो मच। आज के वीडियो इधर ही इन करना चाहते, सब लोग स्वस्थ रहे खुश रहे सुख रहे।